हरी ओम फ्रेंड्स, मैं आपका हरी ओम निटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आज आप मेरे माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। मैंने ये देखिए इस तरह की प्रतिमा ले रखी है जिसकी मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का लहंगा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने नवरात्र स्पेशल लहंगा बनाया है, फ्रिल वाला लहंगा है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का लहंगा बनाना शुरू करते हैं। लहंगा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल हरिओम निटिंग में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, तो कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये लहंगा कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैंने आज लहंगा बना रही हूँ ये मैं नेट के कपड़े का बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने जिस तरह से ये लेयर में बनाया है, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से नेट के तीन पीसेस कट कर रखे हैं। और फर्स्ट वाला पीस जो है, ये देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने 11.5 इंच ले रखी है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखिए मैंने 11.5 इंच इस तरह से 3 पीसेस को कट कर लेना है। तो एक मैंने ये कट किया है 11.5 बाई 5 इंच का, ये देखिए 4.5 है, सॉरी देखिए 5 से थोड़ा सा कम है वो 4.5। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये 4.5 इंच है, ठीक है। और दूसरा मैंने इससे थोड़ा सा कम कट किया है, 1 इंच का फर्क है, 3 इंच का पीस कट किया हुआ है। और एक पीस मैंने ये 2 इंच का कट किया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये 3 पीस कट कर लिए हैं 11 बाई 4, 3 एंड 2, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने इन पीसेस को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, तीनों पीसेस को हम लैस लगाएंगे और एक पीस को मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेट को हमने इस तरह से ऊपर की ओर, ये देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे नेट को और इसके ऊपर हम ये लैस लगा लेंगे। ये देखिए, इस लैस को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे, ठीक है, और इसको सिलाई लगा देंगे। तो तीनों लेयर्स पे मैं इस तरह से इस लैस को लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेट की तीनों लेयर पर इस तरह से, ये देखिए, लैस को लगा लिया है। ये देखिए, ये मेरी तीनों लेयर्स अलग अलग हैं। फर्स्ट लेयर ये रही और सेकंड इसके ऊपर हम इसको रखेंगे सीधा सा बिल्कुल, और तीसरी लेयर को भी हम इस तरह से सीधा रख लेंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों लेयर्स को ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे इकट्ठा करते हुए। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लेस लगाकर मैंने इसको ऊपर से सिलाई लगा ली है। और अब हम इसके साइड को लॉक करेंगे। तो ये मैंने टिश्यू लेस ले रखी है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर, ये देखिए इस तरह से इसको लॉक कर देंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने दोनों सिरों को इस तरह से रिबन लगाकर लॉक कर लिया है। और फ्रेंड्स, अब जो हमने देखिए ये ऊपर सिलाई लगाई है यहाँ पर, ये मैंने बढ़िया बखिए की लगाई है। इसको अब हमने यहाँ से धागे की एक तंद को निकाल लेना है और इसको हमने यहाँ से इस तरह से खींच लेना है। और थोड़ा सा हमने एक तंद को यहाँ से खींचना है, ये देखिए, और इसको हमने इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है, ठीक है। जितनी हमको चोली की यहाँ ऊपर से चाहिए तो उतना हम इसको खींच कर सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो ये मेरे को तकरीबन कुछ 3 इंच ही चाहिए, तो इस तरह से मैं इसको खींच लेती हूँ और इसको सेट कर लूँगी, ठीक है। और अब हम इसके नीचे शंटून का कपड़ा कट करके लगाएंगे, तो उसे हम काटते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हमने इसको इकट्ठा कर लिया, जब हम इकट्ठा कर लेंगे और इस जो हमारा ये मेजरमेंट है इसको हम नाप लेंगे। तो ये देखिए कुछ हमारा कितना आएगा देख लेते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ से नाप लेना है, ये देखिए इस तरह से नापना है। ये देखिए हमारा 8 इंच आ रहा है,
ठीक है, इस तरह से 8x5 इंच का हम एक पीस कट कर लेंगे। तो मैं आप एक शैंटून का इस तरह का पीस कट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने एक रेड कलर का शैंटून का पीस कट कर लिया है। ये मैंने 8x6 इंच का कट किया है। हमें 5 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। और इसको हम देखिए इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लेंगे पहले यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए कपड़े के नीचे इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और अब हम इस कपड़े को इस तरह से सीधा रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ये बनाया है इसको हम देखिए बेल्ट को जितना हमें ऊपर से चाहिए, ये मैं 3 इंच रखूँगी ऊपर से। तो इस कपड़े का जो हमारा ये सेंटर पॉइंट होगा और ये लहंगे का सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर हम रखेंगे। और इसको 3 इंच पर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी जितनी हमको ऊपर से इसका बेल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको चुनर डालकर यहाँ पर देखिए ऊपर से सिलाई लगा ली है इस तरह से। और अब हमने इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा रख लेना है कपड़े को, ठीक है। देखिए अब हमारी जो ये लहंगे की लेंथ इस तरह से जा रही है, ठीक है। इस तरह से करते हुए इस कपड़े को हम थोड़ा से जो एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कट कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों साइडों से हमें इस तरह से इस कपड़े को कट कर लेना है। और देखिए फ्रेंड, जो मैंने ऊपर सिलाई लगाई है या लेस के नीचे नहीं लगाई, इससे थोड़ी सी पीछे करके लगाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से लॉक हो जाएगा नीचे वाला कपड़ा भी। और दोनों साइडों को मैं इसी तरह से करूँगी। सेम इसी तरीके से मैं इसको इस तरह से तिरछा कट कर लूँगी कपड़े को, और फिर फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लहंगे की मैंने साइड को सिक्योर कर लिया है दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके। और ये हमारा फ्रंट का लहंगे का पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। और इसकी मैंने यहाँ से बेल्ट 2.5 से 3 इंच के करीब बना ली है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 3 इंच के करीब आ रही है। तो इस तरह से इसको हमने इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसमें चोली लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पीस कट किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने कितना लिया है ये बता देती हूँ। तो ये चोली हम डबल बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 इंच मैंने इस तरह से ले रखा है, 6 इंच इस तरह से लिया है और 3.5 इस तरह से लिया है, क्योंकि कुछ हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं और फिर हम एक निशान लगाएंगे इसमें। ये देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो ये हमारा हाफ पॉइंट आएगा इसको हम नीचे से इस तरह से, ये देखिए 1 इंच की दूरी पर नीचे एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया ये। और फिर हम ये देखिए यहाँ पर एम की स्टाइल में एक सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर हम मशीन से इस तरह से सिलाई लगा कर फिर इस सेंटर पॉइंट पे हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मिलाकर फिर हम एक सिलाई लगाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगाकर। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ से ऊपर से हम थोड़े से इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। दोनों साइड से मैं इस तरह से कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैया जी की चोली का यहाँ से नेक बन गया है। और इस नेक में अब मैं इस तरह से एक लेस का पीस लगा लूँगी राउंड शेप में, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको ये लेस लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने नेक पर इस तरह से राउंड में लेस को अटैच कर लिया है। और अब हम इस घेरे को इस चोली से लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये चोली को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम इस चोली को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से आपको अटैच करके दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, चोली को मैंने घेरे के साथ अटैच कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पर एक लेस का पीस और लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से बेल्ट की साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसके चारों तरफ ये रिबन को भी अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने येलो कलर का रिबन लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर ये देखिए इस तरह लगा लेंगे चारों। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मियाँ जी का लहंगा बनकर रेडी हो गया है और इसमें अब आप चाहें तो इस तरह से ये ग्लिटर लगा सकते हैं। ये मैं देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाऊंगी, आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप चाहे स्टोन से हैवी कर लें या इस तरह से। ये मैंने गोल्डन कलर की ग्लिटर ले रखी है, इससे मैं इस पूरे लहंगे को ये देखिए इस तरह से लगाती जाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको फटाफट से दुपट्टा बनाना बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मियाँ जी का लहंगा बनकर रेडी हो गया है और इसमें मैंने देखिए यहाँ पर चारों तरफ रिबन लगा लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम दुपट्टा भी बताते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टा बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर का नेट का कपड़ा लिया हुआ है और इसकी मैंने लंबाई देखिए 13 इंच ले रखी है यहाँ से। ये देखिए 13 इंच इसकी लंबाई ली हुई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और अब हम इसको ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा यहाँ से, ये देखिए। और फिर हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टे को मैंने इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर ये देखिए ये लेस लगा लूँगी चारों तरफ से और ये डेकोरेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैया जी का दुपट्टा भी बनकर रेडी हो गया है और अब मैं इसमें भी इस तरह की ये स्पर्कल को ये देखिए इस तरह से लगा लूँगी। तो इसे आप अपनी पसंद से जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं दुपट्टे को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये पूरे दुपट्टे को इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैया जी की ये लहंगा चुनरी बनकर रेडी हो चुकी है और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहनने के बाद बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगी जैसे मैंने यहाँ पर मैया जी को पहनाई हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मैया जी का ये लहंगा बनाने का तरीका भी जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।